magical Mona, Hathi Farah, naughty energy or charismatic Krishna ke saath, entertainment ko jeene ke liye, welcome to Brook Bond Red Label Presents Entertainment ke liye, Kuch Bhi Karega, powered by OLX.in. ये हम शक्ल्स कहाँ से आ गए और ये हम शक्ल्स की भयानक शक्ल किसी से मिलती है? What do you mean by भयानक मोना? मेरे से शक्ल मिलती है, मेरा भाई होंगे, डैनी डेंजोक पाके भाई थोड़ी होंगे ये लोग। क्या बात कर रही हो यार तुम? Actually मेरे भाई हैं। हाँ क्या हुआ? बहुत छोटी सी कहानी है मेरी, तुमको सुनाऊंगा ना हंसी निकल जाएगी तुम्हारी। एक्चुअली क्या हो गया था, हम लोग सब लोग राम गोपाल वर्मा की फिल्म देखने के लिए गए थे। हाँ। तो इतनी भीड़ थी थिएटर में कि हम लोग तीनों बिछड़ गए। राम गोपाल वर्मा की फिल्म में भीड़? हाँ हाँ, वो भीड़ हम सिर्फ तीन लोग ही थे ना, तो क्या हुआ पता ही नहीं चला, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया। सो स्मार्ट, थैंक यू। माय गॉड, ये सो चीप, ये मुझे आंख क्यों मार रहा है? अरे मोना तुम टेंशन मत लो, इसकी ये बचपन की ये खराब आदत है। क्या तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। हाँ गया गुजरा, मैं हूँ मैं गया गुजरा, क्योंकि मेरे पैदा होने के 3 साल पहले मेरे पापा गुजर गए थे। 3 साल पहले? तो तुम तीनों को पैदा किसने किया? अरे पैदा तो माँ करती ना, पापा थोड़ी पैदा करेगा मेरे को। क्या बात करती है, पापा अपना होमवर्क करके चले गए थे। क्या फैमिली है, पर तुम लोगों का नाम क्या है? मैं हूँ K1, आई एम K2, K3 और तीनों को मिला के बनता है K3G। जी ये नाम के आगे जी क्यों लगाया है? एक्चुअली क्या तुमको पता है ना, हम विरार में रहते हैं। हाँ। और विरार लखनऊ में। क्या? तो वहाँ पर तहजीब से बात की जाती है। हाँ तो हम लोग ये तो कुछ भी नहीं, हम ग्लूकोज बिस्किट को भी जी करके बुलाते हैं। है ना? वाओ वेरी गुड। खैर ये सब छोड़ो कृष्णा। हाँ। यस तुम तीनों में से हमारा कृष्णा कौन सा है? मैं। अरे हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। हाउ चीप, शट अप। तुम तीनों में से सबसे बेवकूफ कृष्णा कौन सा है? पारा, ये तीनों की प्रॉब्लम तो मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम से भी ज्यादा मुश्किल है, क्या करें कैसे पता करें? अरे मैं हूं ना मोना। हाँ। असली कृष्णा को फाइंड आउट करने का रामबाण मेरे पास है। ओह। अभी देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अनु जी अपनी जिंदगी की बेस्ट शायरी बोलो। कृष्णा, अनु मलिक को तुझसे प्यार था और तुझसे प्यार रहेगा। कृष्णा, अनु मलिक को तुझसे प्यार था, तुझसे प्यार रहेगा। अनु मलिक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करता है, लेकिन फराह के लिए कुछ भी करेगा। अगर ये बोलेगी तो गाय की तरह घास भी चरेगा। हाँ? अगर तू बोलेगी तो तुझे बाहों में भरेगा। नहीं नहीं, 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 नहीं। तू मेरे हाथों से ही मरेगा। ओ, 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 देखा मैं जानती थी एक ही आदमी के पास इतनी मोटी चमड़ी हो सकती है जो इनकी शायरी झेले, और वो है कृष्णा वन। Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! K1, कुछ तो बोलो। अरे क्या बोलेंगे भैया, तुमने देखा हम तीनों की भाइयों की लाइफ से इंस्पायर होकर हमारे हिंदी फिल्म के बिगेस्ट एंटरटेनर डायरेक्टर ने हम पे फिल्म बनाई है। हाँ, और उनसे जुड़े 3 खास लोग यहाँ पर आए हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाउसफुल फिल्में देना भैया जिनकी हॉबी है डायरेक्टर साजिद खान, वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइनली वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम्स रितेश देशमुख, एंड द हार्टथ्रॉब एंड द डेबोनेयर नवाब सैफ अली खान।
रितेश सैफ, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पर आकर? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है. Very nice. It's a lovely show and it's such a beautiful set. And Wait till Annu Mali starts se shayari. Main yahan aaj kholunga main apni special diary. Nahi. साहिब हम लोग प्रोमोज देख रहे हैं आपकी फिल्म के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग. ये जो तीन तीन जो रोल्स करवाए आपने, ये आपको आइडिया कहाँ से आएगा सब लोग तीन तीन रोल करेंगे? I think got inspired when I saw Farah's three kids. Oh, thanks. I thought when you saw you and me. That would make it four Farah. Saif in a triple role, Ritesh in a triple role, Ram Kapoor जो सिंगल फिट नहीं आते उनका ट्रिपल रोल. इसीलिए यहाँ पे भी नहीं आ सके क्योंकि ये दरवाजे से फिट नहीं आते. तो और प्लस तीनों के नाम सेम. एक घर में लंदन में अगर आपको मेरी फिल्म में हाउसफुल 2 में मजा आया तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको ये फिल्म में बहुत मजा आएगा. आप लोग सब लोग जाएंगे ना 20 जून को देखने? जाना है. सैफ एंड रितेश, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फिल्म में काम करने का? मैं तो पिछले 5 फिल्मों से बर्दाश्त कर रहा हूँ इसको. इस बार मुझे लगता है कि उसने हमसे कुछ ज्यादा ही करवाया. तो इज इट हम शक्ल या हैम शक्ल? पूरी तरह हैम शक्ल. लेकिन आज हमारे शो पे बहुत ज्यादा हैमिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होने वाला है. तो आई होप कि आप बहुत मजे लें हमारे साथ. पास आओ. माइंड ब्लोइंग अदाएं. सैफ, यस सर, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? आई थिंक इट वाज अमेजिंग. थैंक यू सो मच. यू नो बिकॉज हमें भी इस पिक्चर में वी हैड टू ड्रेस अप एज गर्ल्स एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई थॉट एनीवे आई हैव ट्रबल डांसिंग. आई एम सो इंप्रेस्ड विद दैट डांसिंग बट टू वेयर हील्स लाइक दिस एंड डांस इज रियली समथिंग एल्स. यू गाइस आर ग्रेट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. रितेश, आपको कितना मजा आया? बहुत ज्यादा मजा आया. मुझे लगता है इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया और हम लोगों ने भी ऐसे ही कपड़े पहने फिल्म में. लेकिन रितेश, मुझे लगता है तुमने अपने पैर के बाल निकाले थे और इन्होंने वो
निकाले नहीं है स्टॉकिंग्स के थ्रू मुझे दिखते हैं आई थॉट देयर वाज अ पैटर्न ऑन द स्टॉकिंग यस अ पैटर्न ऑफ देयर लेग ओ माय गॉड साजिश भाई मेरे लिए दिमाग में सिर्फ दो शब्द ही आ रहे बदसूरती में खूबसूरती अरे इनका डांस देख के रितेश रितेश मैं और सैफ सिर्फ एक ही चीज करना चाहते हैं 3 2 1 अनु जी आप लोगों ने वाकई बहुत अच्छा डांस किया आई लव द सॉन्ग साजिश फ्रॉम योर फिल्म इट इज वेरी कैची थैंक्स अनु इट्स वेरी वेरी गुड एंड मैं अपने अंदाज में कहना चाहता हूँ रितेश जी आप सुन रहे हैं बिल्कुल कोई बना लड़का और कोई बनी लड़की कोई बना लड़का और कोई बनी लड़की ना कोई कला का कड़का ना कोई कला की कड़की आप चारों को देखकर हमशक्ल की तबीयत भड़की क्या बात है और फरा मेरी शायरी सुनकर उसका दिमाग क्या तन मन सब कुछ सटकी आप चारों की खूबसूरती पूरी तरह से पूरी नहीं होगी अगर आप लोगों के बीच में आके मेरी गाने के लिए एक बार आप लोग यही स्टेप अनु जी के इर्द गिर्द ना करें तो अनु जी के लिए जोरदार तालियां लगाओ म्यूजिक प्लीज मस्ती करते हैं शायरी करते हैं बट ही इज ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड पीपल वी हैव इन दिस कंट्री अनु मलिक के लिए जोरदार ताली थैंक यू साजिद थैंक यू 11,111 रुपए ऑल द बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री में एक कहावत है कि एक शख्स है यहाँ इस वक्त जिनको रात के 3:45 भी उठाकर पूछ लो कि लम्हे में जवान अनिल कपूर के मूंछों का कलर कौन सा था या मुगले आजम में लड़ाई वाले सीन में घोड़े हाथियों के असल में नाम क्या क्या थे या हम आपके कौन में आलोक नाथ के कितने बाल थे ये सब बता देंगे क्योंकि ये हैं फिल्मों के इल्मी और बड़े ही फिल्मी साजिद खान लेकिन लेकिन अगर इनसे भी कोई बढ़कर है तो वो भैया यहाँ पर आ रहे हैं जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए अरे देखना जस्ट हेलो जजेस आज क्या करने वाले हो मैं यहाँ पर एक्टिंग करूंगा और डांस करूंगा फाइट करूंगा चलो एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए एंटरटेनमेंट करने से पहले ये जर्किन बहुत मतलब भारी पड़ेगी मेरे लिए क्योंकि मेरा वजन पहले से हल्का है इसलिए पहले इसको कौन पकड़ेगा शुरू किया जाए 12 महीने में 12 तरीके से 12 लड़कियां घुमाऊंगा रे ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका रे ए ए ए ए ए ए ए ए लगता है 12 मिनट भी तेरे बिन रे पाऊंगा ना रे ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका रे ए ए ए ए ए ए ए फिल्म नाम सुपरमैन
वाह 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 सुपरमैन 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 अभी अगर दबंग 3 फिल्म बने तो उसके डायलॉग कैसे बदल जा सकते हैं बच्चा भाई लगता तू मेरे बारे में जानता नहीं मैं हूं सबसे गुंडा हीरो मेरे आगे सब है जीरो टीवी पर है मेरी खबरें बॉलीवुड में चलती दबंग की धार कभी रॉन्ग नहीं होता जनता ने गोंग बजा दिया तू बोलते था बेटा डर मत तू बोल मैं हूं सबसे गुंडा हीरो मेरे आगे सब है जीरो टीवी पर है मेरी खबरें बॉलीवुड में चलती दबंग की थाट शर्ट उतारूं डोले दिखाऊं दुनिया हिल जाए साले मुझसे पंगा लेने वाले मिट्टी मिल जाए तू रुकता नहीं तू बोलते जा बोलता जा शाहरुख खान का मोहब्बतें फिल्म का डायलॉग बहुत फेमस हुआ है और उस डायलॉग की मैंने ऐसी तैसी की है वो मेरे घर के सामने से निकलती थी थोड़ा शर्माती थी थोड़ा लजाती थी शायद कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाती थी बाद में पता चला वो गुटखा चबाती थी तुम इतने अच्छे जबरदस्त कलाकार हो हमें तुम्हें खोना नहीं चाहते तुम्हें म्यूजियम में रखना चाहिए सारे आगे की नस्ल भी देखेगी क्या ऐसा एक्टर हमारे पास आया था म्यूजियम में रखना चाहिए तेरे को म्यूजियम नहीं दूसरा शब्द जो करेक्ट शब्द है उसका नाम है चिड़ियाघर देश पिक्चर डायलॉग बोलो छोटा सा बोलो 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 ओ ए रेस मेरी है और इस रेस को मैं जीत कर रहूंगा अरे किसकी मिमिक्री कर रहा है सैफ की तो सैफ के स्टाइल में बोलना प्लीज टेल मी यार ओ एक चीज फिर से देखना चाहूंगा प्लीज वो सुपरमैन का फ्लाइट हाँ प्लीज थोड़ा उड़ के अब आज का सुपरमैन ज्यादा लोग जाने बचाने अमेजिंग तूने जो किया वो अच्छा नहीं था लेकिन सच्चाई ये है कि सबका मनोरंजन किया तो उसके लिए जोरदार एक बार ताली बजनी चाहिए तेरे थैंक यू साजिद भैया आपकी फिल्म में 3 हीरोज हैं और वो ट्रिपल रोल कर रहे हैं तो 9 टाइम्स फन हुआ लेकिन हम लोग भी भैया कम नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के मंच पे 15 टाइम्स ज्यादा फन होगा अभी बिल्कुल 15 टाइम्स ज्यादा तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उड़ीसा से आए एच बॉयज का कितना मजा आया आपको amazing I'm just amazed such good dancers यार अच्छा सैफ सर हम आपसे पूछेंगे how was the experience of working in the film ये जो तीन रोल की आपका कैसा एक्सपीरियंस था नॉर्मली जब हम शक्ल्स होते हैं तो एक टपोरी होता है एक अमीर होता है गरीब होता है काफी ऑब्वियस डिफरेंसेस होते हैं इन्होंने दो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए एक थोड़ा ब्रेन डैमेज्ड स्वीट बॉय है उसके बाद उन्होंने हमें एक लड़की के कॉस्ट्यूम में डाल के वो कराया फिर एक थोड़ा सा एफेमिनेट रोल कराया तो कोई भी नॉर्मल रोल नहीं है उनकी फिल्म में यू नो आई एम वेरी लकी कि उन्होंने मुझे ये रोल दिया और मुझे करते वक्त बहुत मजा आया साजिद आपको कैसा लगा ये एक्ट
मैं तो ब्रेक डांस का बहुत बड़ा फैन हूँ. साजिद खुद आके करेगा अब ये एक्ट. साजिद, यू शुड डू दिस. या, यू शुड डू दिस. सुपर्ब साजिद, सुपर्ब. रितेश, आपको कैसा लगा सर? सबसे पहले यू नो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, और ये सारा जो आपका जो मिरर इमेज का था, हर जगह बदल कर यू नो इतने सारे लोग इतनी हाई एनर्जी में आप जब परफॉर्म करते हो, इतने सारे हम शक्ल्स एक सामने जब परफॉर्म कर रहे हो, और सिंक में होना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक टाइमिंग का खेल है, और आपकी टाइमिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी थी. यू आर ब्रिलियंट टुडे. थैंक यू सर. कैसा लगा ये एक्ट? सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, इट वॉज अ वेरी इनोवेटिव एक्ट. एक जगह जो लाइन में जो मिरर्स थे, अपने अंदाज में बोलना ही पड़ेगा कि तुम सब अपने घर पे छोड़ के आए अकल. हम कैसे करते तुम्हारे एक्ट में दखल. मिरर एक्ट वाले, यू ऑल अ फैंटास्टिक हम शक्ल. Outstanding performance. Thank you. पहले तो अपने ग्रुप का नाम बताओ मुझे. मैम, हम लोग का ग्रुप का नाम है एच बॉयज. एस बॉयज. एच बॉयज. एच बॉयज. हॉट एंड हैपनिंग मैम. आप देते फुल ऑन अमाउंट 11,000. Thank you very much, sir, for thank being you, a part of our show. Thank you, Anuji, Farah. Thank you, both of you. And, you know, you guys have been a great audience. I'm sorry I have to leave. Thank you, sir. Thank you, sir. भैया, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सैफ जाते जाते उनका एक हम शक्ल यहाँ छोड़ गए. और रितेश अपने इन इमिटेबल स्टाइल में सैफ के जैसे बात करेगा. हाँ जी. सैफ कहाँ गया है, क्यों गया है, और वापस कब आएगा? ओके. Wow, man! मुझे शूटिंग के लिए जाना था, इसलिए मैं चला गया. अब बाद में आऊँगा. Goodbye, goodnight, goodnight, love you guys. हम शक्ल. अच्छा मोना डार्लिंग, जब भी मैं ये परमाणु बम के बारे में बात करता हूँ तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है? कृष्णा, नो डार्लिंग, मेरे दिमाग में एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, फारा बम, बम ही बम सब दिमाग में. अरे बाबा, मैं वो पढ़ाई लिखाई वाले बम और ये तबाही वाले बम की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं वो गुजरातियों वाले बम होते ना, वो गुजराती हाँ. वाले न्यूक्लियर बम, समझती हो ना तुम? तो पहले क्यों नहीं बोला यार, फाफड़ा, ढोकला, थेपला, खांडवी. अरे ये डायलॉग तो हेट मूवी थ्री इडियट्स के हैं, पहले बोलना था. हाँ ठीक है, पता है पता है. तो जो अपनी बमबारी से आपको घायल कर देंगे, आ रही है वो. सो प्लीज वेलकम अहमदाबाद की गुजराती क्वीन. मैम, हम चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए, आप हमारे अंदाज में बोलें. तो क्या आपका अंदाज? तोड़ी ना खू, फोड़ी ना खू, भूखो गरी ना खू. तो
क्वीन खान अरे यार गुजराती क्वींस तुम लोग ने बहुत ही सरप्राइजिंग एक्ट किया फर्स्ट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल स्टार्टिंग विद जो मटके पे खड़े होकर ऑफ कोर्स द एलईडीज वर द आई से चेरी ऑन द केक बहुत बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल आप लोग लगे थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच रितेश एक्स्ट्रॉर्डिनरी आई थिंक इसको कहते हैं फुल ऑन परफॉर्मेंस थैंक यू सो मच मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो LEDs इतनी खूबसूरत लग रही मैंने पहली बार देखा कि ये ख्याल ये आइडिया कैसे आया आपके एक्चुअली हम लोग बचपन से ही LED वाले डांडिया से बहुत खेलते थे तो वैसे ही हमने सोचा कि LED के साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव करें तो हमने सोचा कि गरबे में क्यों नहीं ये डाल के देखें तो इस तरह से हमको ये ख्याल आया सुपर्ब थैंक यू सो मच एक्स्ट्रॉर्डिनरी भाई गुजरात से ये क्वींस आई हैं हमारे महाराष्ट्र में आई हैं महाराष्ट्र का दिल जीत लिया आप महाराष्ट्र की क्वींस बन गई और महाराष्ट्र में से ये मंच आपको मिला है पूरी इंडिया आपको देख रही पूरी वर्ल्ड आपको देख रही है एंड मैं दिल से दुआ करूंगा कि गुजरात क्वींस बहुत जल्द ऑल इंडिया क्वींस हो जाएं अनु जी जो आपकी फॉर्मेशंस थे इतने डिफिकल्ट थे और मैंने एक लड़की को देखा जो जल्दी से आई मटके छोड़े और भागी और फिर लाइट्स ऑन हुए और जैसे सबने बताया कि लाइट्स सबके ऑन हुए हमने LED घाघरा ऐसा डांस कभी देखा ही नहीं है मतलब मुझे लगा जी शायरी तो बनती है अरे क्या बात है अनु जी फरा मैम कह रही है कि शायरी बनती है और सुनना चाहती हैं सुनना नहीं चाहती शायरी बनती है चांदनी की तरह चमक रही थी काली रात में चांदनी की तरह चमक रही थी काली रात में कुछ तो है तेरी हर अदा में हर बात में और तुम लोग को ऐसा लगना था और नाचना था क्योंकि अन्नू मलिक का फरा का इंस्पिरेशन है तुम्हारे साथ में थैंक यू सर मैं भी एक शायरी सुनाऊं बिल्कुल ये शो जीता हटना नहीं इस मिशन से मेरी दिल से दुआ है तुम सबकी शादी हो जाए किसी इलेक्ट्रिशियन से इस शो में सारे के सारे मेरे पीछे पड़े रहते कि मोना तुम शादी करो ये कंटेस्टेंट देखो इससे शादी कर लो तुम्हें लड़का मिल गया है हां कहां एक कुवारा यही अरे, अरे इतनी सारी कुवारियां जो आई हुई हैं मोना माय चाइल्डहुड फ्रेंड यार चलो इस दोस्ती को क्यों ना हम रिश्तेदारी में बदल दें क्योंकि एक महान व्यक्ति ने एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होता प्रेम आप में से रितेश की फैन कौन सी है भाई ऑलराइट सर बहुत मोटी फैन छु तुम्हारी जेम कीधु के घूम घूम मैं हूं तुम्हारा पाछळ घूमू छु तुम्हारी दीवानी छु तुम्हारी आंखों में डूबी जवानू मन करे छे हाय हाय बेंजी बेंजी इतना प्यार तू सु बात करी छे छोकरी आई शपथ मला एक शब्द कळायला नाही पण लय जा મને મરાઠી આવડતી નથી પણ તમે એટલું પ્રેમથી કીધું કે મને બધું જ ખબર પડી ગઈ 110% જે બોલીશ તે ખરે બોલીશ જામ એકદમ પણ અડચણ એ કે મારું લગ્ન થયેલું છે કાય કરું આપ દોનો કી લવ સ્ટોરી દેખ કર સેફ કા રિએક્શન દેખીએ વહાં પે વાવ મેન સો મચ લવ લેટ મી ટેક અનધર ગુલાટી ટોઇંગ એન્ડ વન મોર મેન ટોઇંગ
क्वींस मेरे महाराष्ट्रन किंग को तो लेके चली गई, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोग को और मनोरंजन करने के लिए और एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं लाया हूँ मेरी फिल्म का एक क्विक प्रोमो, जरा जल्दी देखते हैं। सर हमारे यकीन कीजिए, हम पागल नहीं हैं और ना ही हमारा दिमाग खराब है। हम दोनों के हम शक्ल्स हैं। हम पागल नहीं हैं, हमारा दिमाग खराब है और उन दोनों स्लैपस्टिक कॉमेडी। कृष्णा तुम फुटबॉल के साथ क्या क्या कर सकते हो? फुटबॉल के साथ फुटबॉल के साथ यू नो मैं मछली पकड़ सकता हूँ, मैं क्या बोलते हैं भजिए तल सकता हूँ, अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज कर सकता हूँ। चल फेंकू। अरे पागल है क्या, फुटबॉल के साथ करेगा क्या आदमी, खेलेगा ना, ये क्या सवाल हुआ, फुटबॉल के साथ कर सकते हो? जी नहीं, फुटबॉल से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और ये दिखाने के लिए आ रहे हैं प्रथमेश और प्रदीप। क्या बात है, बंद ही नहीं हो रहा, घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है। सुपर साजिद, कैसा लगा ये एक्ट आपको? वेल यू गाइस यू ऑल वर हैविंग अ बॉल। प्रदीप यू आर ट्रूली अ मास्टर एट दिस, ये आपने पता नहीं कितने सालों से प्रैक्टिस किया है और आपकी प्रैक्टिस फाइनली इस मंच पे जाके रंग लाई है। आई थिंक व्हाट यू वर डूइंग इज विद अ लिटिल बिट मोर ऑफ प्रैक्टिस, या लिटिल बिट मोर ऑफ मेहनत, I think you can reach international levels, man. Seriously. Well Thank done. You. Thank you so much. Queen Khan, Pradeep, wo jo tumne skipping kiya na with the ball, that... Thank you. Aur Prathamesh, tumhare ball bahut gir rahi thi, lekin tumhare six packs bahut achhe hai, toh. We didn't mind our 15. Anu ji? Main bolna chahta hoon, aapne jo shirt utari hai na, It was fantastic. और मैं अपने अंदाज में कहूंगा कि फुटबॉल को उंगलियों पे घुमाते हो, फुटबॉल को उंगलियों पे घुमाते हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वेन रोनी की कसम, तुम दुनिया में बहुत नाम कमाओगे। अनु मलिक का है वचन। उन्होंने तो कमाल फुटबॉल खेला भैया, लेकिन हमारे फुटबॉल का जो फीवर है वो आज रात 11 बजे से जारी रहेगा सिर्फ सोनी 6 पर। तो फुल ऑन अमाउंट 11,111 रुपए। थैंक यू वेरी मच बॉयज। तो इस
इसी के साथ आज हमारी सारी फुल ऑन परफॉर्मेंसेज होती हैं खत्म. आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक क्विक रिकैप. कौन होगा आज का एंटरटेनर ऑफ द डे? इतना अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया कच्ची कलिया, आप लोगों ने हाथ क्या ठुमके लगाए आप लोगों ने. लेकिन आप प्रदीप एंड प्रदमेश, यू वर माइंड बॉगलिंग. ऐसा एक्ट हमने देखा ही नहीं, तो इसके लिए ताली बजाओ सब लोग. एज बॉयज, दैट मिरर एक्ट वाज टू डाई फॉर. एंड ऑफ कोर्स गुजरात की हसीनाओं, तुम लोगों ने क्या नहीं किया. मतलब दैट एलईडी घाघरा विद दैट टेक्नोलॉजी एंड दोस 100 volts on your bodies and the way you all were looking, it was mind-boggling. बहुत मुश्किल था कि किसको हम चुने, किसको छोड़े. फरा, would you please kindly announce the names? I think क्योंकि आज मेरा भाई आया है guest बनके, तो I'll give him the honor of announcing entertainer of the day. बिल्कुल. भाई, entertainer of the day is गुजराती क्वींस. सो कंग्रेचुलेशंस, आप हैं हमारे आज के एंटरटेनर ऑफ द डे और आपको मिलते हैं पूरे 51,111 रुपए. थैंक यू साजिद. जाते जाते इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू ओवर. एंड और एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ साजिद, आपका प्रोमो देखा. क्यों करता है मेरी शायरी में धकल? बाय नहीं नहीं अरे साजिद यार, आज पूरी हमशक्ल टीम के साथ तो हमें बहुत मजा आया. लेकिन अब बारी है जाने की कि कौन होंगे हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट. और ये जाने के लिए हम बुलाते हैं हमारे इस हफ्ते के सारे एंटरटेनर्स ऑफ द डे को. तो जजेस बताइए कौन होंगे आज के तीन क्वार्टर फाइनलिस्ट. माय गॉड, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन. इन चारों में से एक को जाना पड़ेगा हमें छोड़ के. वॉल्केनो कथक, आपको जाना पड़ेगा. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. एक बार जोरदार ताली. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप तीन हो हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट. पन्नू जी ने बैड न्यूज तो दे दी कि कौन एलिमिनेट होगा. अब मैं गुड न्यूज देती हूँ कि महा एंटरटेनर ऑफ द वीक कौन बनेगा. Congratulations, Sameer and Michael. आप हैं हमारे महा एंटरटेनर ऑफ द वीक और आपको मिलते हैं पूरे 1,00,000 रुपए. और आपको मिलेगा हमारे क्वार्टर फाइनल्स में भी जाने का मौका.
अगर आपको भी यहाँ आना है और इनके जैसे खूब सारे पैसे जीतने हैं और हमें एंटरटेन करना है तो प्लीज अपना वीडियो शूट कीजिए और हमें भेजिए नीचे लिखे डिटेल्स पर. सी यू, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.